बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोल्टेज पेंशन पीपीपी के नाम से सरकार की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम रेवाड़ी के वकील हैं और ये जो पीपीपी के नाम से लूट है, सीएससी सेंटर वाले 5,000 रुपए ले रहे हैं। हम एफिडेविट दे सकते हैं ठीक रेक्टिफाई करने के लिए आम लोगों से। ओल्ड एज पेंशन का नाम है सम्मान निधि। मेरा नाम भाई राकेश वशिष्ठ है। राकेश, किस लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ समस्या आ रही है? भाई फैमिली आईडी में इनकम जो है बहुत ज़्यादा दिखा रखी है, 1,80,000 से 2,50,000 दिखा रखी और मेरी है लगभग इसमें, और मेरी पर्सनल दिखा रखी इसमें 50,000 से 75,000। और मेरे एक मेरी बीबी है, एक मेरा बच्चा है, और फिर दोनों तीनों की 1,80,000 से 2,50,000 रुपये दिखा रखी है इनकम। ना तो मेरा सोशो इकोनॉमिक का CET पेपर में जो 5 अंक मिलने हैं वो कट जाएंगे, इस वजह से कट जाएंगे। उसमें मेरा टेस्ट क्लियर है, लेकिन ये 5 नंबर मेरे कट जाने से फिर वही बात है ना, तो मैं आगे पेपर में बैठ पाऊँगा और फिर 1-2 साल ख़राब रही ऐसी, जो तैयारी की है पेपर की वो बेकार जाएगी ऐसी। तो मेन तो मेरा मकसद ये ना, मैंने BPL चाहिए, ये ना मैंने भाई कुछ और चाहिए, लेकिन मेन मकसद ये है कि जो 5 नंबर कटने वाले हैं ना CET में सोशो इकोनॉमिक के, सामाजिक आर्थिक मापदंड के आधार पर जो 5 नंबर दिए जा रहे हैं, मानते हैं किसकी गलती है, सिस्टम की गलती है क्या? ये सिस्टम की गलती है। गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ज़मीन है, जो रिटर्न भर रहे हैं टैक्स, उनके 50 से 20 तक की इनकम दिखा रखी है और हमारे जैसों की 1,80,000 से 2,50,000 दिखा रखी है। तो ये सरकार ने कहीं ना कहीं सरासर धोखाधड़ी की है। इसमें जो भी कमेटी बनाई है ना वो सरासर गलत बनाई है, और जो गाँव के मौजूद आदमी जो लिए है ना वो भी निराशा गलत लिए हैं। किसी का तो BPL कट रहा है, जो अच्छी उसके हैं, जिस अच्छी हैसियत रखते हैं उनका तो BPL काट दिया साथ साथ में, जो बिल्कुल ही कमज़ोर गरीब हैं उनका भी काट दिया साथ में, और कुछ जो ऐसे उठा लिए जो अच्छे 5-5 लाख जिनकी सालाना इनकम है और उनके BPL बना दिए। गांव मुंदी में ऐसे कई लोग विद्यमान हैं जो मैं अपने खुद के दम पर दिखा सकता हूँ कि इन लोगों के BPL बना दिए, और जो सही तबके के लोग थे जिनको ज़रूरत थी उनके काट दिए। तो क्या मानते हैं कि कितनी सही है जो ये बन रही है इस टाइम फैमिली आइडियोलॉजी जो भी? इसमें ये है कि जी 50% सही है, 50% बिल्कुल गलत। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम, क्या कुछ समस्या आ रही है? सर मेरी आ रही है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इनकम 2,50,000 से 5,00,000 दिखा रखी है मंथली। मेरे हस्बैंड चाय की दुकान पे काम करते हैं, उनकी इनकम दिखा रखी है 1.5 लाख मंथली। कहाँ से करते हैं इतना? हमें नहीं चाहिए राशन कार्ड, नहीं चाहिए हमारे, हमें इतने पैसे दे दो, मेरे को दे दो 2,50,000 रुपये, 5 करोड़ सालाना दिखा रखे हैं, 5 करोड़ दो मेरे को, है ना? ये बात है ना, अगर वो लोग ये दिखा रहे हैं मेरा कार्ड काट दो, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को पैसे तो दो, इनकम तो आनी चाहिए ना मेरे पास। मेरी इनकम तो है नहीं, हाउस वाइफ की 2,50,000 दिखा रखी है, किसी की कुछ दिखा रहे हैं, किसी कुछ दिखा रहे हैं। पहले भी आई हूँ मैं यहाँ पे, पहले 0 दिखा दी, बाद में बोले ठीक है ग्रीवेंसी लगा दी, 0 दिखा दी, उसके बाद अब दोबारा कल चेक कराया तो 2,50,000 इनकम दिखा दी। डिमांड करते सर जितनी हमारी इनकम है उतनी तो दिखाइए, हमारी इनकम 80 से 90 है, 1 लाख दिखाइए, 1.5 लाख दिखाइए, लेकिन ये क्या है कि हमारी इनकम 5-5 करोड़ दिखा रहे हैं? 5 करोड़ होगा वो बंदा ऐसे घूमेगा क्या? मानते सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलती है सर। 3 बार धक्के खा चुके हैं, एक दो बार नहीं आई, 3 बार आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे। तीनों बार में पहले 1.5 लाख थी, मैंने बोला 1.5 लाख नहीं है भाई, 1 लाख कर दो, 1 लाख है, उसके बाद 0 कर दी, 0 से फिर अब सीधा 2.5 लाख 5 करोड़ पे दिखा दिया। अगर जिस बंदे के पास 5 करोड़ होगा वो बंदा ऐसे नहीं घूमेगा। एक बड़ा सिंपल सा मामला है परंतु बहुत गंभीर हो रहा है कि हरियाणा सरकार ने एक परिवार पहचान पत्र, एक कानून, एक योजना शुरू की है और उसमें ये लिख दिया परिवार पहचान पत्र के अंदर कि तमाम स्कीम से जोड़ दिया, जिसकी 1,80,000 रुपया फैमिली की टोटल इनकम है, टोटल इनकम 1,80,000 सालाना जो इनकम है, उसको आयुष्मान की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, उसका ओल्ड एज जो सम्मान निधि है उसको बंद कर दिया जाएगा, विडो पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, उसको राशन नहीं मिलेगा, उसको तमाम सुविधाएं ख़त्म कर दी जाएंगी। हम ये कह रहे हैं 1,80,000 एक परिवार में अगर 5 मेंबर हैं तो 1,80,000 में तो वैसे भी गुजारा नहीं होता, 15,000 रुपया पर मंथ होता है,
सातवां पे कमीशन कहता है कि 28,000 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए और केंद्र सरकार कहती है 5,00,000 रुपये हम मानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 1,80,000 से जिसका एक पैसा वापस ऊपर हो गया उसको अमीर मानते हैं और उसके नाम से तमाम जन कल्याणकारी को स्कीम को बंद कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम रेक्टिफाई करेंगे, इसको ठीक करेंगे। हम CSC सेंटर पर जाते हैं, एक गांव से 30 किलोमीटर आदमी यहाँ किराया भर के यहाँ आता है, CSC सेंटर में वो लाइन में खड़ा होता है और फिर उससे अनाप शनाप पैसे वसूले जाते हैं। जब ये फैमिली आईडी चलाई गई तो सरकार ने ये नहीं कहा कि हम इसके साथ जोड़ेंगे, बोला फैमिली आईडी बना लो। गांव का अनपढ़ आदमी आया, उसने टिक मारी और दस्तक करवा लिए, इनकम लिख दी मन चाहे वो। दूसरे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो चिनाई करने वाले आदमी है, वहाँ क्या हुआ कि अगर उसमें लिख दिया कि ये मजदूरी करता है तो कहते ये अब कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं रहा। जो जो महिलाएं दिहाड़ी पर जाती हैं, घरेलू लिख दिया तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, तो आपकी कॉपी नहीं बनेगी, आपको कोई इतलाब नहीं मिलेगा। तो टोटल जो गरीब तबका है जिसके लिए सरकार की वेलफेयर स्कीम जो थी उनसे छीनने का एक रास्ता सरकार ने ले लिया है। हम एडवोकेट्स, हम समाज के सचेत नागरिक हैं, हम उन्हीं परिवारों की के बेटे हैं जिन्होंने हमारे लिए रास्ते खोले पढ़ाई के, और तब हम वकील बने। अगर उनके साथ अन्याय होगा तो हम वकील लोग भी इसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज सरकार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि आप इस स्कीम को वापस लो और जिसकी स्कीम की शर्त किसी के साथ मत लगाओ, तो नहीं तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और पूरा बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को इस स्कीम को वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे। आज ये ज्ञापन हमने इसलिए दिया है। जो अभी परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड कुछ त्रुटियां है लोगों को लग रहा है, तो उसके लिए हमने जिला स्तर पे हेल्प डेस्क बनाया है और उस पे हेल्प डेस्क पे लोग आके अपनी त्रुटियां दूर कर सकते हैं। उसमें ग्रीवियंस पोर्टल है हमारा, उस पे ग्रीवियंस डाल सकते हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि 21 से 25 तारीख तक इस महीने में हमने ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाया है जिसमें वीडियो ऑफिस में ही लोग अपनी त्रुटियां दूर कर सकते हैं परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड। जिले में अभी करीबन 264,000 परिवार पहचान पत्र बने हुए हैं और उसमें से 9,00,000 के करीब मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसी सिलसिले में 9,000 ऐसे लोग हैं जिनकी BPL कार्ड घर बैठे बन गए हैं, तो उनको कहीं भी चक्कर ना लगाने पड़े, तो ये भी एक अच्छी बाजू है इसकी। सर, कई फैमिली ऐसी जिनका पीला कार्ड जो पहले कट गया है जिनका, तो उनके लिए क्या होगा? परिवार पहचान पत्र में ऐसा है कि लगभग 55 डिपार्टमेंट का डेटा जो है वो जुड़ा हुआ है और उससे जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उससे पता चलता है कि लोगों की इनकम सोर्सेस कहाँ कहाँ से है। फिर भी अगर किसी को लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि उनकी इनकम जो है वो गलत दिखाई गई है, तो यहाँ आके हमारे ग्रीवियंस पोर्टल पे ग्रीवियंस चढ़ा सकते हैं और उसकी त्रुटि अगर सही पाई जाती है तो उसको दूर किया जाएगा। ज्ञापन दिया है तो उसमें कुछ जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में जो भी संभव हो सकता है वो हम अपने लेवल पे करेंगे और जो चीज़ें ऊपर होनी है वो उसको हम ऊपर भेज देंगे।